मार्केट जो हमारे घर के पीछे ही है, वैसे मेरे पास चूड़ी ग्रीन घर में ही इतनी तैयार है। रेडी हैं, बैठे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कल है सावन का सोमवार, और सावन का पहला सोमवार जो है उस दिन हम लोग कराएंगे शिव भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। तो गाइस, हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग जाएंगे आज थोड़ा मार्केट, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है उसके लिए। रुद्राभिषेक के लिए बहुत सी चीज़ें लानी रहती हैं। तो गाइस, हम उसी के लिए थोड़ा मार्केट जाएंगे। तो गाइस, पहली बार हमारे घर में होगा रुद्राभिषेक। और गाइस, ये देखिए हम आ गए हैं लोकल मार्केट जो हमारे घर के पीछे ही है। तो हमें माँ पार्वती के लिए पांच चीज़ें सुहाग के लिए लेना है जो हम चढ़ाएंगे। और गाइस, मुझे अपने लिए भी चूड़ी लेनी है। और गाइस, आपको दिख रहा भी होगा इतनी भीड़ है आज के दिन, क्योंकि सभी को सावन में हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, सब लोग ले रहे हैं। और तो गाइस, ये देखिए हमने पांच चीज़ें सुहाग की ले ली हैं जो पार्वती माता पर चढ़ाएंगे। गाइस, ये देखिए नेल पेंट ग्रीन है, चूड़ियाँ ग्रीन, बिंदी ग्रीन, और चुनरी भी मैं ग्रीन ही लेने वाली थी, बट ग्रीन नहीं थी तो इसलिए हमने रेड चुन्नी ली है। और गाइस, ये देखिए सिंदूर है, और ये है लिक्विड सिंदूर। तो ये जो लिक्विड सिंदूर है ये मैंने अपने लिए लिया है। और ये देखिए आलता है, ये रंग हम चढ़ाएंगे पांच चीज़ों में। और मेहंदी का कोन है, ये भी हम चढ़ाएंगे, क्योंकि सावन में मेहंदी तो सबसे मेन होती है, और माता पार्वती को बिना मेहंदी अर्पण करे कैसे सुहाग की चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो हमने मेहंदी ज़रूर ली है गाइस। और ये वाली जो छोटी बिंदियाँ हैं ये मैंने अपने लिए ली हैं घर में लगाने के लिए, क्योंकि मैं छोटी बिंदी ही लगाती हूँ, मुझे बड़ी नहीं अच्छी लगती, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए ले लूँ। तो गाइस, वैसे मेरे पास चूड़ी ग्रीन कलर की रखी थी, मैंने ले लिया। तो गाइस, हम आ गए हैं लोकल मार्केट से वापस घर, और ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि घर के पीछे ही है, अगर कुछ भी लेना होता तो सब कुछ मिल जाता है। तो गाइस, बस अब हमें आज तैयारी करनी है हर चीज़ की। और सबसे मेन बात ये है कि अगर अपने घर में कुछ काम होता है तो अदर जगह भी काम निकल ही आता है। तो गाइस, हमें जाना है आज बर्थडे में, मेरे मोहल्ले में आंटी के लड़के का आज बर्थडे है, तो हमें वहाँ भी जाना है और घर में तैयारी भी करनी है। तो गाइस, मैं इतनी जल्दी हुई हूँ रेडी। और ये जो साड़ी पहनना सबसे बड़ा सियापा होता है, सूट तो कोई भी पहन लेता है, पर साड़ी पहनने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो ऐसी साड़ियाँ हैं उन्हें तो पहनने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, मैं आंटी के घर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लेट आई हूँ, क्योंकि घर में ही इतनी तैयारी करनी थी, फिर मैंने सोचा कि चलिए वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है, तो फिर मैं थोड़ा समय निकाल कर ये देखिए यहाँ पर आई हूँ। तो गाइस, ये देखिए दोनों बच्चे हमारे रेडी हैं, बैठे हैं दावत खाने के लिए, बट अभी दावत में देर है, आज देर से थोड़ा शुरू होगी। तो ये देखिए आदर्श भी आ गए हैं, और इनका तो अपना अलग ही शुरू रहता है। हमको कान पास में दिखेगा और पीछे लगी आने में। वैसे भी अभी केक कटा नहीं था, मगर मैं चली आई, क्योंकि मुझे घर में ऐसे ही इतना काम, अगर घर में कुछ भी काम होता है तो सारा माइंड उसी में लगा रहता है कि मुझे अभी ये करना, मुझे अभी ये करना।
तो मैंने केक कटने का वेट नहीं किया और बस थोड़ी देर ही बैठी और उसके बाद घर आ गई वापस, क्योंकि सभी अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि कल रुद्राभिषेक के लिए पंडित जी ने बताया है कि वो आ जाएंगे सुबह 8 बजे। तो हमें 8 बजे से पहले ही सारी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है, पंडित जी लोग खाना भी खाएंगे और मेरा और अर्चना का फास्ट भी है और उसके लिए भी हमें बनाना है, और अदर्स भी सारी तैयारी करनी रहती हैं, ये लाना वो लाना है। ये पंडित जी जानते हो, जब बैठते हैं पूजा में तो कितनी चीज़ मांगते रहते हैं, तो सभी चीज़ की तैयारी करनी है। तो इसलिए ज़्यादा देर में नहीं बैठी आंटी के घर और मैं वापस चली आई। दावत तो थोड़ा देर में होगी। तो गाइस, वहाँ से आने के बाद किए हैं कपड़े चेंज और काफ़ी काम हमने निपटा लिया है और रात भी हो गई है, काफ़ी सब लोग सो गए हैं, बस मैं ही जग रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है अगर मुझे कोई भी काम पड़ा होता है तो मुझे चैन नहीं मिलता जब तक मैं वो काम कर नहीं लेती हूँ, बस मेरा ध्यान उसी में रहता है। और ये देखिए मेहंदी की कीप रखी है, तो मैंने ये सोचा कि आज मैं मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि कल भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा है घर में, इतनी बड़ी पूजा है, पहली बार घर में रुद्राभिषेक है और सावन का पहला दिन शुरू हो गया, यानी पहला सोमवार भी है। सबसे अच्छी बात की है, जब सावन शुरू हुआ है उसी दिन पहला सोमवार भी है, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार मेहंदी तो ज़रूर लगाऊंगी और शुरुआत में ही लगा लूँगी। वैसे मुझे मेहंदी लगाना सबसे बोरियत का काम लगता है, मुझे अच्छी तो बहुत लगती है मेहंदी, बट उसे लगा कर जो बैठना पड़ता है, और जब भी मेहंदी लगाओ तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जब मेहंदी लग जाती है तो कहीं कुछ होता कहीं कुछ होता, तो इसलिए मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं किसी भी शादी पार्टी ओकेजन कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत ही कठिन पड़ता है मेहंदी लगाना, वैसे तो लगाती हूँ बट मुझे नहीं अच्छा लगता। मगर मैंने सोचा कि मैं भोलेनाथ की पूजा है और सावन शुरू हुआ है कल से, तो मैं इस बार तो ज़रूर लगाऊंगी, मुझे पूजा पाठ में बहुत आस्था है। मुझे मेहंदी लगानी वैसे आती बिल्कुल नहीं है, बट मैंने सोचा मैं चाहे जैसी भी लगाऊं बट मेहंदी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो गाइस, ये देखिए 12 बज गए हैं पूरी, ये देखिए 12 बज गए हैं और मैं अकेली बैठी हूँ घर में मेहंदी लगा रही हूँ इतनी रात में, सब लोग सो गए हैं। तो गाइस, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के संग आपसे हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और सभी को सावन की पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं।